स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं और राकेश बात करें दोस्तों पोको एप 2 के बारे में। एप 2 की कुछ दिन से लीक्स निकल के आ रही हैं, काफी सारी स्पेसिफिकेशन का मुझे यहाँ पर पता चला है क्या क्या जो इसमें रहेगा। इसकी प्राइस सुनकर आप काफी यहाँ पर खुश होने वाले हैं। लास्ट में हम प्राइस की भी बात करने वाले हैं, जो कि कंप्लीटली वही वाली प्राइस जो इसकी रहेगी। जल्दी से लॉन्च भी कर दिया जाएगा। काफी सारे इसके पार्ट्स वगैरह जो हैं यहाँ पर लीक होकर आ चुके हैं, तो बात कर लेते हैं दोस्तों पोको एफ 2 की। दोस्तों उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक का बटन जो है उखाड़ लीजिए जल्दी से। काफी सारे लाइक्स इस वीडियो के ऊपर आ जाने चाहिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं। दोस्तों पोको एफ 2 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब बताते हुए भी यहाँ पर आपको खुशी हो रही है कि पोको एफ 2 के अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस आ कैसे सकती हैं, फिर भी जो है आ गई हैं। दोस्तों यहाँ पर 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। दोस्तों ऊपर की तरफ आपको एक छोटी सी नॉच मिलेगी, जिसमें यहाँ पर एक सुंदर सा छोटा सा कैमरा जो है फ्रंट में सेल्फी के लिए दिया जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंड्रॉयड 9.0 पाई का सपोर्ट रहेगा दोस्तों इसके अंदर, और साथ ही जो है एंड्रॉयड क्यू का अपडेट भी बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों CPU की माने तो यहाँ पर दो अलग अलग लीक्स हैं CPU के मामले में। जितनी भी वेबसाइट छानी वहां पर डबल लीक्स मुझे मिली है। स्नैपड्रैगन 855 CPU हो सकता है और ये हो सकता है तो ऑक्टा कोर 2.84 GHz के ऊपर। लेकिन हाल ही में जो है MediaTek ने भी बजट के अंदर गेमिंग वाला CPU निकाला है। यहाँ पर MediaTek का Helio G90T CPU भी यहाँ पर टीस कर रहा है कि इसके अंदर होगा, और मुझे लगता है कि अगर G90T CPU इसके अंदर लगा दिया जाए तो ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा कमाल का हो सकता है। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है यहाँ पर। दोस्तों इसके अंदर जो ग्राफिक परफॉर्मेंस है वो दैट कैन मेक गेम्स रन स्मूथली। मुझे लगता है कि काफी मक्खन की तरह आप यहाँ पर गेम्स काफी यूज कर पाओगे तो स्मूथली यहाँ पर हो जाता है गेम्स, या पबजी हो या फिर फोर्टनाइट, काफी मक्खन की तरह। यहाँ पर MediaTek ने वैसे भी बोल दिया कि हमारे G90 जो सीरीज है इसके अंदर सिर्फ गेमिंग का ही यहाँ पर मसाला ठूस ठूस कर भरा है कि गेमिंग किस प्रकार से यहाँ पर लो लैग के साथ यहाँ पर चलाई जाए, तो देखते हैं क्या कमाल कर पाता है। बात करें दोस्तों इसके रैम और रोम वेरिएंट की, तो यहाँ पर ड्यूल रैम और ड्यूल रोम या फिर स्टोरेज वेरिएंट रहेंगे दोस्तों। 6 GB 8 GB दो रैम वेरिएंट, और वहीं पर जो है 64 GB 128 GB यहाँ पर दो जो है रोम या फिर स्टोरेज वेरिएंट। बाद में आपको 256 GB का भी एक वेरिएंट यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, उससे मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। ड्यूल सिम 4G वोल्टी का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों आगे बात करें इसके कैमरा की, तो पीछे की तरफ अभी तक ट्रिपल रियर कैमरा का ही फॉर्मूला यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर जो है पीछे की तरफ होंगे। वैसे भी जो है Xiaomi के पास सोनी के IMX 586 वाले 48 MP के सेंसर काफी सारे पड़े हैं, तो वो भी जो है इसमें पीछे की तरफ मेन सेंसर यहाँ पर 48 MP का ही होगा। दूसरा सेंसर दोस्तों यहाँ पर 8 MP का होगा, ये होगा दोस्तों वाइड एंगल लेंस। तीसरा यहाँ पर 5 MP का होगा दोस्तों, ये होगा डेप्थ बोका इफेक्ट के लिए यानी बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए। बात करें दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो ये भी जो है काफी कमाल का होगा दोस्तों। छोटी सी नोच के अंदर काफी सुंदर सा आपको एक 20 MP का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पर सेल्फी कैमरा मिलेगा। अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये लो लाइट को भी सपोर्ट करेगा, तो कम लाइट में भी आप काफी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी सेल्फी जो है निकाल पाएंगे इसके साथ। और साथ ही दोस्तों एक बहुत ही मिस्टीरियस बात सामने आई है कि फ्रंट सेल्फी कैमरा के साथ अब की बार पोको एफ 2 के अंदर 3D फेस अनलॉकिंग की भी व्यवस्था की जाएगी दोस्तों AI के साथ। AI जो है यहाँ पर आपका फेस कुछ कुछ 3D में कैप्चर करने वाला, और कैप्चर करने के बाद जो है उसी 3D फुटेज को यूज करके आपको यहाँ पर अनलॉक की व्यवस्था देगा। बात करें दोस्तों फिंगरप्रिंट रीडर की, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। USB टाइप सी पोर्ट के साथ भी आप हेडफोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है 3.5 mm का हेडफोन जैक जो है नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों कमाल की बात यह है कि नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, 3.5 mm का हेडफोन जैक, USB टाइप सी और माइक का होल भी मिल जाता है। तो कुल मिलाकर जो सेटअप है वो एक इनक्रेडिबल सेटअप अब की बार यहाँ पर बनाया जा रहा है पोको एफ 2 के अंदर।
4100 यानी 4100 mAh के आसपास जो है बैटरी मिलेगी, मतलब 4000 प्लस ही बैटरी यहाँ पर रहेगी। फास्ट चार्जिंग का इसमें सपोर्ट है दोस्तों, 22 वाट की Xiaomi की तरफ से आने वाली चार्जिंग आपको इसमें मिलेगी, जो कि लगभग 40 मिनट में आपके स्मार्टफोन की बैटरी को 60% तक चार्ज कर देगी। प्राइस की बात कर लेते हैं, जिसका वेट कर रहे हैं दोस्तों, प्राइस है इसकी सिर्फ 21,990 रुपये रहेगी। इतनी प्राइस के अंदर इतनी सारी स्पेसिफिकेशन भर भर के यहाँ पर Xiaomi हमें दे रहा है, तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। और साथ ही पोको का F2 आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। आपकी राय जाननी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है, तो एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं दोस्तों, उससे काफी यहां पर खुशी होती है। जितनी ज्यादा लाइक्स उतनी ज्यादा खुशी। मिलते हैं दोस्तों एक और फ्रेश वीडियो में, उससे पहले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।